चलिए फ्रेंड्स, मैं आज आपको दिखाता हूँ वाइट बैकग्राउंड आउटलाइन के साथ, बॉर्डर के साथ फ़ोटो कैसे बनाते हैं, जो आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है। आप सबसे पहले क्रिएट डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे, लोगो पे क्लिक करिए। लोगो पे क्लिक करने के बाद अपलोड अ फ़ोटो, कोई भी एक ऐसी फ़ोटो अपलोड कर दीजिए जिसमें आपका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो। और मैंने एनरिके इग्लेसियस का फ़ोटो ले लिया। यहाँ पे ठीक है, देखिए मैंने इसका फोटो ले लिया। इसका फोटो लेने के बाद इसका जो बैकग्राउंड है, इसका बैकग्राउंड कर देंगे हम कलर चेंज। कलर्स में गए, कलर्स में जाकर हम इसका बैकग्राउंड कर देंगे ब्लैक, वाइट, कुछ भी कर सकते हैं हम। करेंगे अब येलो। येलो करने के बाद हम जाएंगे फ़ोटो पे क्लिक करेंगे। फ़ोटो पे क्लिक करने के बाद हम जाएंगे एडिट इमेज में। एडिट इमेज में जाने के बाद आप देखें यहाँ पर हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फिल्टर हो गया, शेडोज़ हो गई, डुअल टोन हो गई, कलर मिक्सिंग हो गई, कुछ भी कर सकते हैं आप। कैनवा एक ऐसा टूल है जिससे आप कुछ भी कर सकते हैं, ब्लर कर सकते हैं, प्रिज्मा बना सकते हैं। अब हम जाएंगे, हमें इसकी आउटलाइन बनानी है शेडो, तो हम इस पर करेंगे सी ऑल पे क्लिक, ग्लो पे क्लिक करेंगे। ये देखिए सेलेक्ट हो गया, सेटिंग में गए। अब इसकी हम ब्लर जो है कर देंगे कम, ट्रांसपेरेंसी कर देंगे 100। कर देंगे वाइट। ये देखिए अब साइज जो है थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। ये देखिए और ये नॉर्मल इमेज थी। अब देखिए वाइट आउटलाइन के साथ हमारी इमेज रेडी है। अब हम बैकग्राउंड का कलर चेंज करके देख लेते हैं किस पे सूट करता है। देखिए आप कोई भी कलर लाएंगे उस पर अलग ही लुक आएगा। हम यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल लिख देते हैं शेयर पे जाएंगे, डाउनलोड पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लीजिए। ये देखिए हमारा फोटो हो गया रेडी, जो आजकल काफी ट्रेंडिंग में है।